तो भाई जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट करे खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। हेलो वेलकम गाइस, क्या है, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज जो मेरे पास है वो है ये, जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो भाई मोटा खर्चा हो ही गया है, जिस चीज़ का सब लोग को लगभग एक साल से इंतजार था, मुझे इंतजार था, फाइनली वो मैंने खरीद ही लिया भाई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा बहुत जल्दी से, लोगों ने क्या करा, लोगों ने भाई स्टोर से उठाया, मैंने बहुत भीड़ थी यहाँ पे, प्री ऑर्डर भी बहुत लेट हो रहे थे, वेबसाइट नहीं चल रही थी भाई, मैंने इसीलिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और ये आ ही गया। तो भाई जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट करे खोलते हैं इस डब्बे को और देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा भाई अपना बॉक्स, इसको खोलते हैं जल्दी से। मैंने जो ये फ़ोन मंगाया 15 प्रो मैक्स है, कलर जिसका नेचुरल टाइटेनियम और स्टोरेज 256 GB है। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये लगभग 1,60,000 का है और यहीं US के साथ इसको कंपैरिजन करूं तो ये 256 GB वाला वेरिएंट $1,200 का मिल जाता है। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट करे भाई फाड़ते हैं जल्दी से इसकी पर्चियाँ। तो भाई और ओहो ये है नेचुरल टाइटेनियम भाई, दिखने में भाई ये जो पुराना जिसको पता होगा 14 प्रो मैक्स है उसके जितना ही है, उसके जैसा ही है, साइज भी लगभग सेम ही है लगभग, क्या दोनों का सेम ही है। लेकिन जो मेजर जो चेंज आया एक तो वो वेट में आया भाई, पकड़ने में, मतलब जैसे मैंने पहले अपने दोस्त का जो 14 प्रो मैक्स है वो यूज़ करके देखा, वो बहुत भारी था और ये वाला जो है ये बहुत हल्का लग रहा है पकड़ने में। और साथ ही साथ जो कलर है ये नेचुरल टाइटेनियम भाई, मैंने और भी कलर देखे थे स्टोर में देखे थे मैंने, वो मेरे को बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगे। मुझे ऐसा लग रहा था पहले शुरुआत में कि भाई ये कलर कहीं बेकार ना लगे बाद में, लेकिन सबसे बढ़िया जो कलर मेरे को लगा वो यही लगा, नेचुरल टाइटेनियम। एक और जो भाई सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो ये टाइप सी दोनों, मतलब अगर आपके पास कोई टाइप सी नॉर्मल चार्जर है, कोई और भी चार्जर है, तो उससे भी आप अब अपना फ़ोन चार्ज कर पाओगे। पहले क्या था, लाइटनिंग वाला हुआ था, लेकिन उसमें सब। और भाई जो ये केबल है ये ब्रेडेड केबल है, ये थोड़ा कपड़े से का है, पहले क्या था कि बिल्कुल प्लास्टिक का आता था, ये जो लोकल अपने वहाँ पे कहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं मिला करते थे पहले, कि 10 रुपये में डाटा केबल मिल जा रहा था उस पर थोड़ा कपड़ा सा, ये वैसा सा ही है बिल्कुल, लेकिन क्वालिटी थोड़ी बढ़िया ही होगी इनकी। साथ में मिलता है भाई ये डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, साथ में एक ये एप्पल का लोगो, क्योंकि भाई मेरा जो ये है जो अमेरिकन वर्जन है तो इसमें हमें कोई भी सिम ट्रे देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी सिम ट्रे नहीं है, सब eSIM पे ही काम करेगा ये फोन। तो भाई अब इन सामान को रखते हैं जल्दी से साइड में और अब बारी है प्लास्टिक रैप निकालने की। ओ भाई जो ये आवाज आई ना भाई ये प्लास्टिक रैप निकालने की, ये भाई अंदर तक खुशी की दे के गई है मेरे को, अंदर तक खुश कर दिया इसने मेरे को। प्लास्टिक रैप भाई मैंने इसकी हटा दी है, अब डब्बे को करता हूँ साइड में और इसको करते हैं। मैंने इसको कर लिया है भाई सेटअप, मैंने फेस आईडी सब कुछ लगा दी है। इसमें जो भाई कुछ कुछ नए फीचर ऐसे कमाल के देखने को मिल रहे हैं, एक तो भाई जो ये यहाँ से राउंड है पोक कर दिया है मैंने, पहले क्या था यहाँ पे कॉर्नर थे तो पकड़ने में इतना बढ़िया नहीं लगा था, अब एक तो हल्का है वो, क्योंकि टाइटेनियम की जो ये बाउंड्रीज है ये सब टाइटेनियम की बनी है इसकी। और भाई ये कैमरे देखने को मिलेंगे, पता नहीं तुम्हें दिख रहे कि नहीं, लेकिन ये वाला जो कैमरा है ये इनमें बहुत डिफरेंस है, बड़ा और छोटा है, क्योंकि इसमें 5x जूम आया है ना इस बार, तो इसकी वजह से ये और भी कमाल का हो गया है। एक और जो भाई बहुत बड़ा चेंज आया है ना वो है इस बटन का, ये पहले क्या होता था ऊपर नीचे स्लाइड करने से होता था, अभी क्या है
अभी इसमें क्या होता है कि जैसे इसे प्रेस करके रखना, दबा के रखना पड़े और वाइब्रेट भी करे, साइलेंट दिखा दिया, दबा के रखोगे तो रिंग हो गया। और इसे आप सेट भी कर सको, इसमें काफ़ी सारे हैं जैसे कि फोकस मोड ऑन हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, इसे दबाओगे तो वॉइस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी, कैमरा ओपन करना हो वो भी यहाँ तक हो जाए। लेकिन मैंने वही अपना जो ट्रेडिशनल है साइड बटन अपना आईफोन का, मैंने वो साइलेंट और जनरल के लिए वही रखा है मैंने इसके यहाँ पे। फ़ोन के साथ साथ भाई मैंने लिया है एप्पल का 30 वोल्ट का पावर अडैप्टर, ये बहुत महंगा है भाई यहाँ, ये लगभग मैं इसको पहले ही खोल के देख लिया था मैंने, ये $40 का है भाई यहाँ पे। और इससे भी महंगे पता भाई क्या पता चला मेरे को, मैं जब देख रहा था, मैं ऐसे ऑनलाइन देख रहा था, इससे महंगे भाई यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास है जो स्क्रीन पे चढ़े, ये $40 का है। $45 का जो मेरा एप्पल का था वो टेम्पर्ड ग्लास मैंने देखा था, और मैं बात करें अगर कोई लगाने वाले तो $10 वो लगाने के लिए ले रहे थे, तो ये $55 का और $2-3 का टैक्स लग जाता है, तो कुल मिला के वही अगर 60 के आसपास लगाओगे तो यही 4-5 हज़ार का। तो भाई मुझे सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास और उसका जो लगाने का है वो खर्चा था यहाँ पर। और ये जो फोटो भाई आप लोग स्क्रीन पर देख सको, तो ये मैंने लिया था नॉर्मल उसमें, तो जो इसका साइज़ है फ़ोटो का वो सिर्फ है 3 MB, 3.1 MB। लेकिन जब मैंने भाई 48 MP वाला जो इसका प्रोरेस वाला जो मोड था वो ऑन करा, तो भाई इस वाले फ़ोटो का जो साइज़ है वो है लगभग 75 MB सिर्फ एक फ़ोटो का भाई। तो देख ही सको क्वालिटी में भी भाई बहुत फ़र्क है इन दोनों की। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अब तक जो जितना भी मैं जो भी व्लॉग शूट कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, जो भी वीडियो डाल रहा था, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपने रेडमी के नोट 10S फोन में, चाइनीज़ फोन में। लेकिन आज के बाद भाई जो भी जितने भी व्लॉग आएंगे, जितने भी वीडियो जो कुछ भी आएगा भाई, वो इस फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें आपको बढ़िया तो क्वालिटी देखने को मिलेगी, मैं और कंटेंट और बढ़िया करूँगा। साथ ही साथ जो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी भाई, वो मिलेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स के नंबर। तो अगर अब तक भाई सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, और साथ ही साथ भाई और हर बार की तरह भाई जल्दी मिलेंगे मेरी जर्नी की एक और नई वीडियो में। तो राम राम भाई।